कई ऐसे किस्से हैं जो काफी मजेदार हैं, कई हैरान करने वाले हैं, काफी ज्यादा कई चौंका भी देते हैं। खैर, सलमान खान की जिंदगी में कभी भी लड़कियां आई और वो सालों साल उनके साथ रहकर भी शादी के रिश्ते को सच नहीं कर सकी। सलमान खान शादी के लिए खुद को मना न सके। वही सलमान खान अपने पिता की शादी कराने चले थे, वो भी पहली या दूसरी नहीं बल्कि तीसरी शादी। यकीनन आपको झटका लगेगा जानकर, लेकिन सच है ये। दो माँ होने के बावजूद सलमान अपने पिता की तीसरी शादी कराने चले आए थे। क्या हो सकती है इसकी वजह? खैर, एक फिल्म प्रमोशन के दौरान सलमान ने एक रिपोर्टर से उनकी तस्वीर मांग ली थी। हैरानी की बात यह है कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि सलीम खान के लिए वो तस्वीर मांग बैठे थे। लोग ये देखकर सुनकर काफी चौंक गए थे। दरअसल सलमान जो 55 साल के हो चुके हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इस उम्र में वो जो ऐसे एलिजिबल बैचलर आज भी कहलाते हैं, उनकी जिंदगी में आज भी सुंदर सुशील वो नारी नहीं आई जिनका उन्हें इंतजार है। रोमांटिक कॉमेडी एक्शन हीरो रियल लाइफ में भी ऐसा कॉमेडी कर देते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल सलमान के गुस्से से तो हर कोई वाकिफ है। मजाक मजाक में ही सलमान भड़क जाते हैं कई बार। एक रिपोर्टर पर वो भड़के थे, क्या वजह थी आपको बता दे। दरअसल एक वक्त की बात है, अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान का वो प्रमोशन कर रहे थे और मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी। बात के बीच सलमान खान काफी नॉर्मल तो थे, लेकिन सभी को ठीक जवाब दिया। तभी एक पत्रकार ने सवाल किया कुछ ऐसा कि उनकी बड़ी लड़कियों के साथ पत्नी क्यों नहीं है। सलमान खान ने ये कहा कि बड़ी लड़कियों के साथ, यानी कि बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ। तो सलमान ने उनसे कहा, प्लीज आप नाम लेकर बताइए कि कौन सी उम्र की वो बड़ी अभिनेत्रियां है जिनके साथ उनकी नहीं पड़ती है। तभी पीछे से कहा, सलमान खान को लिटिल गर्ल पसंद है, ऐसा किसी ने कहा। सलमान खान ने तुरंत जवाब दिया, ये उन्हें लिटिल गर्ल चाहिए, एक उन्हें यही लिटिल गर्ल चाहिए, यानी कि वो एक महिला पत्रकार थी तो वो माँ है उनकी। जी हाँ, सुनकर सलमान खान ने कहा कि एक और माँ चाहिए, उनके घर से पहले ही दो माँ हैं, सलमा और हेलन, और अब तीसरी भी आ जाए। कहा कि उन्हें इसके लिए खुद की एक तस्वीर देनी होगी ताकि वो अपने पिता को फोटो दिखाकर पूछ सके। रिपोर्टर ने जवाब दिया, उनके पिता पहले से ही उन्हें जानते हैं। सलमान ने इस पर कहा, वाओ, और ये देखकर लोग वहां पर हंसी के ठहाके लगा बैठे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।